दोस्तों आ गए हैं आप सभी के बीच में फिर से स्वास्थ्य विभाग की एक नई भर्ती के साथ, जहां पर आप सभी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल रहा होगा, जहां पर कई अन्य प्रकार की बहालियां जैसे कि नर्स, लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और फिजियोथेरेपिस्ट सहित कई अन्य प्रकार के स्वास्थ्य विभाग की बहालियां जो है आप सभी को इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसका ऑनलाइन अप्लाई भी जो है शुरू हो गया है। आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी इसकी जानकारियां देंगे और कब तक जो है इसका लास्ट डेट और चयन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या क्या जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी जो है आपको इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे, जहां पर कई अन्य प्रकार की जो है बहालियां आप सभी को जो है देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे ताकि जो है पूरी चीज़ों को जो है सही तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बता दूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो है NLC इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जो है निकलगढ़ के आ रही है, और उसके माध्यम से मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है कई अन्य प्रकार की बहालियाँ जो है आप सभी को देखने को मिलेगी, जहाँ पर मेल नर्सिंग असिस्टेंट की जो है टोटल 36 पदों पर जो है बहालियां निकाली गई है, जिसके लिए आपको यहां पर 25,000 रुपए जो है सैलरी रखी गई है। और मैं बता दूं कि आपको ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल यानी कि किसी भी राज्य के व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक राज्य के व्यक्ति ही जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए निश्चिंत होकर के पूरा वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। मैं बता दूं कि मेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो है आपसे सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है पास इन SLLC या फिर जो है HSC विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ, और 1 ईयर का पारा मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स नर्सिंग असिस्टेंट का या फिर मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल वर्कर का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अगर अप्रूव्ड है, तो मेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वही जो है फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट का टोटल 22 पदों पर जो है आपकी बहालियां निकल कर के आ रही है, और सेम जो है आपसे यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जो है आपसे मांगा जा रहा है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपसे मांगा जा रहा है। वही मैं बात करूँ तीसरी बहाली की, तो मेटर्निटी असिस्टेंट की है, जो कि टोटल 5 पदों पर बहालियाँ निकल कर के आ रही है और सेम सैलरी होने वाली है। इसके लिए आपसे जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है 12th पास और आपका ANM का सर्टिफिकेट 2 साल का होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको जो है GNM भी किए हुए हैं तो भी जो है आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही जो है आपका चौथा जो है पंचकर्मा यानी कि आयुर्वेद असिस्टेंट की टोटल 4 पदों पर जो है बहालियाँ निकल कर के आ रही है, जिसके लिए आपको पंचकर्मा थेरेपी कोर्स का आपको 1 या 2 साल का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर जो है DNT का कोर्स अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वहीं आपको 5वीं बहाली जो है रेडियोग्राफर की टोटल 3 पदों पर निकल कर के आ रही है, जिसके लिए आपसे जो है BSc इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर जो है आपको BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी में आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही जो है आपको लैब टेक्नीशियन की दोस्तों बहाली निकल कर के आ रही है टोटल 4 पदों पर, जिसके लिए 34,000 सैलरी होने वाली है। उसके लिए आपको से BMLT मांगा जा रहा है, DMLT नहीं, आप BMLT आपसे मांगा जा रहा है, जो कि आपके पास सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। वही मैं बात करूं दोस्तों कि 7वीं जो बहाली है आपकी डायलिसिस टेक्नीशियन की टोटल 2 पदों पर जो है बहालियां निकल कर के आ रही है, जिसके लिए आपकी सैलरी 34,000 होने वाली है, और इसके लिए जो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है आपको BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही जो है 8वीं बहाली इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन की टोटल 5 पदों पर है, जिसके लिए आपसे 34,000 रुपये सैलरी आपको रिकमेंड की जा रही है, और यहाँ पर जो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी जा रही है वो आपकी BSc डिग्री इन इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी में या फिर इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपकी 9वीं बहाली फिजियोथेरेपिस्ट की टोटल 2 पदों पर है, जिसके लिए सैलरी जो है 36,000 रुपये होने वाली है, और उसके लिए आपसे BPT या फिर अगर MPT किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर 10वीं बहाली नर्सेस की बहाली होने वाली है, टोटल जो है यहाँ पर
20 पदों पर, जिसके लिए 36,000 रुपये जो है सैलरी होगी। और उसके लिए बीएससी नर्सिंग वाले या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले या फिर जो है जीएनएम वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि किसी भी कोर्स के लिए आपसे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा, यानी कि फ्रेशर्स वाले इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाले हैं। और मैं बता दूँ कि ये रिजर्वेशंस के अंतर्गत है, यानी कि जो है एससी एसटी यानी कि हर कैटेगरीज वाइज जो है सीट जो है आपको दोस्तों यहाँ पर बांटा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। और आपसे जो यहाँ पर अपर एज लिमिट जो मांगा जा रहा है काफ़ी हाई है, यानी कि 55 साल तक के व्यक्ति जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं बता दूँ कि ये टोटली जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है जॉब होने वाला है, जिसके लिए आपको जो है फर्स्टली 3 साल के लिए जो है आपसे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, फिर उसके बाद जो है आपके कार्य के आधार पर जो है वहाँ पर एक्सटेंड जो है बढ़ाया भी जा सकता है। और मैं बता दूं कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है दूंगा। तो उसके लिए जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो है अप्लाई करना है। उसके लिए कुछ कंडीशंस को जो है पहले समझेंगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट को देख लीजिए, जहाँ से आप सभी को अप्लाई करना है, nlcindia.in, जिसका आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है देख सकते होंगे। nlcindia.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ से अप्लाई का लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशंस का लिंक मिलेगा, या फिर नोटिफिकेशंस को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के भी जो है आप इस नोटिफिकेशंस को जो है प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से भी इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके पूरी संपूर्ण जानकारी जो है आप ले सकते हैं। और मैं बता दूँ कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो फी मांगा जा रहा है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए 250 रुपये फी लगने वाले हैं, और वहीं आपका टोटल जो है फी की बात करें तो 486 रुपये, 236 रुपये आपका प्रोसेसिंग फी लगेंगे, और एससी एसटी वालों के लिए जो है 236 रुपये जो है यहाँ पर फी लगेंगे। तो ये आपका जो है अब फी जो है ये लगेगा। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगे जा रहे हैं, तो उसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपको इसके माध्यम से जो है दी गई है, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है, आपका एडुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, वो सारे चीज़ों को जो है बाई केवी और एमबी का लिस्ट दिया हुआ है, उसके माध्यम से जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड अपलोड जो है करना है यहाँ पर फॉर्म भरने के समय में। और उसके साथ ही साथ आपको एक ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को भी जो है अप्लाई फॉर्म फिल करके जो है वहाँ पर अपलोड जो है कर देना है। तो ये थी आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो कि आ रही थी आप सभी के बीच में। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग से आए तो सबसे पहले जो है आप सभी को मिले। चलिए मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।